मेरठ में सफाई और कूड़ा निस्तारण पर 5 साल में 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी लोहिया नगर में 92 लाख टन कूड़े का पहाड़ जस का तस है। हालांकि नगर निगम शहर से रोज 800 टन कूड़ा उठाने का दावा करता है, लेकिन इसके मुकाबले निस्तारण सिर्फ 300 टन का ही हो रहा है। रहवासियों का कहना है कि लोहिया नगर में करीब 20 बीघा जमीन में कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई 80 फीट पहुँच गई है। कूड़े के ढेर को हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है और साथ ही NHAI ने भी इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए निगम को कई बार चिट्ठी लिखी है। इसके बाद भी नगर निगम इस कूड़े के ढेर के निस्तारण के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा। सर ये लगता है जी, एक तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम बहुत डंप है, उधर वहाँ पे बदबू जब हवा चलती है इधर को बहुत बदबू आती है, वहाँ पर उधर को निकलना मुश्किल आता है, वहाँ पर जानवर मरे पड़े रहते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदने तैयार नहीं है, रेट बहुत कम होते जा रहे हैं। तो पानी की अगर बात, पानी की भी दिक्कत है, पानी बिल्कुल बेकार हो गया है, यहाँ का बिल्कुल गंदा पानी है, खारा पानी हो गया, बहुत गंभीर समस्या है। मैं यहाँ 2011 में आता, 15 अक्टूबर में, तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा समस्याएँ थी, लेकिन शासन ने कुछ इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया है, लेकिन समस्या अब भी है वो जोगितों हैं। यदि आप यहाँ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो समस्या सबसे बड़ी आती है, जैसे हवा चेंज होती है परवा से पछड़ा की तरफ, तो बच्चों को यहाँ पढ़ाना बहुत कठिन होता है। लाइट यदि चली गई तो फिर तो बहुत उससे भी ज़्यादा दिक्कत आती है, बच्चों को मुँह पर मास्क लगा के या रुमाल बनवा के तभी हम जो है अध्यापन कार्य बड़ी मुश्किल से संपन्न करा पाते हैं। और इस संबंध में भी हमने बहुत सारी शिकायतें अपने स्तर से शासन को भी अवगत करा है, प्रशासन को अवगत करा है, लेकिन उसमें कोई हमें ठोस नतीजे सामने नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो कूड़े का पहाड़ नहीं है, जिसको आप कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ है, वो एक्चुअली में क्या है, नालों की सिल्ट है, और जिसको कि हम लोग सभी अपने इंस्पेक्टरों को, सभी सुपरवाइज़र को, सभी डिपो प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सिल्ट निकाली जाए 24 घंटे के अंदर उसका निशान करा दिया जाए। इसी तरह आपने देखा होगा डिफेंस कॉलोनी का जो नाला है कसेरू खेड़ा वाला, वहाँ पे लगभग 500 ट्रक हम लोगों ने कूड़ा वहाँ से उठाया है, और इसी तरह से जो भी हम लोग नालों की सिल्ट उठा रहे हैं वो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो कूड़ा हट जाए।